हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना, जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी ना बुलेरो की, उसका टॉर्क टेस्ट किया था। आज हमारे पास स्कॉर्पियो N Z4 मैनुअल डीजल, ठीक है, इसका टॉर्क चेक करते हैं। तो ये वाला पैर मैंने फ्री कर लिया, ये गाड़ी डाली फर्स्ट गियर में, ठीक है, गाड़ी पे रेस छोड़ दी, गाड़ी उठ गई। अब मैंने ये डाला दूसरा गियर, गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तुम्हारी 20 मैक्सिमम, ठीक है। अब ये मैंने डाला तीसरा गियर बिना रेस दिए, देखते हैं टॉर्क कितना है, जो महिंद्रा वाले क्लेम करते हैं कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क है, कितना इंजन वो है, ट्यून्ड है अच्छे से, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं जी, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिया ये फोर्थ गियर, ये मेरा पहला लगी है दूसरा वाला, तो देखते हैं गाड़ी की स्पीड। थोड़ा ना वाइब्रेशन शिवरिंग थोड़ा देता है क्योंकि देखो पावरफुल इंजन है, तो दे गई थोड़ा बहुत तो बिना रेस के। अब ये हो गई 31 तक। अब मैं डालूंगा इसका फिफ्थ गियर, ये डाल दिया फिफ्थ गियर। अभी भी गाड़ी हल्की हल्की शिवरिंग करी क्योंकि इंजन पावरफुल है तो करेगा थोड़ी सी, लेकिन वो ऑटो रेस पकड़ रहा है। तो ये गई तुम्हारी 42 तक, ठीक है। अब ये इसका फिफ्थ गियर, अब देखते हैं टॉप स्पीड कितनी पकड़ लेगा बिना रेस दिए, ठीक है। और ना किसी को पता हो कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ सकती है मैनुअल में डीजल में, तो वो कमेंट करके बताना, फिर उस पर ट्राई करके देखेंगे। ये भाई देखो दोनों पैर अलग हैं, और ये सिक्स्थ गियर में है टॉप गियर में, और ये तुम्हारी ना 50 तक पहुँच जाती है, 50 तक पहुँच गई थी, अब तो खैर कम ही हो रही है, देखते हैं। वीडियो 2.5 मिनट तक चलाएंगे बस। ये देखो 49 50, वही 52 तक आराम से पहुंच जाएगी गाड़ी, पता नहीं चल रही कि रेस भी मांग ली है, इंजन खुद ही एक्सेलरेट करता है। और अगर कोई टग ऑफ वार देखना है स्कॉर्पियो वर्सेस बोलेरो या ऐसा कुछ देखना है ना, तो कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा चैनल पे आसानी से। चलो बाय। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। बाय।